गुड डे, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम बैक प्रोस्पेक्टिव होस्ट्स। एंड टुडे अ वेरी टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग एनी बिजनेस एनी सेटअप। यू नो, आप अपनी जर्नी जब आपका ड्रीम स्टार्ट करते हैं तो वो पर्सनली आपका ड्रीम होता है, आपके अंदर होता है। बट उस ड्रीम को शेप देने के लिए, उस ड्रीम को एक्चुअली रियलाइज करने के लिए अकेले तो नहीं, एक टीम लगती है। तो आज का टॉपिक वही है, टीम वर्क। यू नो, आई रेड अ ब्यूटिफुल लाइन यस्टरडे विच आई वुड लाइक टू शेयर। यू नो, टीम वर्क इज द रेसिपी दैट मेक्स कॉमन पीपल डू अनकॉमन थिंग्स। यू नो, ब्यूटिफुल लाइन, बिकॉज वी ऑल प्रॉब्ली आर कॉमन पीपल, बट वेन we work as a team, we create uncommon things, uncommon businesses, uncommon achievements, uncommon things, uncommon results. So today let's dive in into the next chapter, the next important pillar of your business, of your Airbnb, that is your team. So hiring is a very intricate, it's a very fine, very difficult job, I would say. Right kind of people अगर आपको जोड़ने हैं, वो सबसे बड़ा एक important aspect हो जाता है आपके business का results को, जो actually results को matter करता है, because that is the team is what takes you to where you actually want to go. तो hiring becomes very important, training becomes very important, the right kind of people to be associated, that becomes very important. So how do you deal with that? When you are starting this journey of Airbnb, you will require a property, you will require a kitchen in a property, you will require cleaning of the property, maintenance of the property. That means you will require a team, you can't do it alone. Aapko Airbnb pe listing karni hai, uske baad Airbnb pe jo क्वेरीज जनरेट होती हैं उनको जवाब देना है, अच्छी तरह से उनको कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मार्केट योर प्लेस, मार्केटिंग, देयर विल बी अ टीम विच विल मार्केट योर प्लेस, और प्रॉब्ली यू डूइंग इट ऑन योर ओन। नाउ स्टार्ट कंसीविंग, ब्रेकिंग योर वर्क इन दिस Airbnb विच यू आर कंसीविंग इन टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, सेल्स, हाउस कीपिंग, कुकिंग, देन मेंटेनेंस, यू विल रिक्वायर पीपल फॉर मेंटेनेंस। अगर आपका टैप लीक हो रहा है, प्रॉब्ली ऑन द कॉल यू शुड हैव अ प्लम्बर, यू शुड हैव अ इलेक्ट्रिशियन, आपकी वायरिंग खराब हो गई, आपका पंखा नहीं चल रहा है, टीवी नहीं चल रही है, नेट नहीं चल रहा है, इंटरनेट, आजकल तो इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, मैं कहता हूँ कि भैया इंटरनेट हैज बिकम अ नीड, रोटी, कपड़ा, मकान और वाईफाई, तो ये बात हो गई है। तो अब वाईफाई नहीं चल रहा है तो लोग आएंगे नहीं सर आपके पास, क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, विदाउट वाईफाई दे कैन नॉट वर्क, एंड व्हेन दे कैन नॉट वर्क हाउ विल दे पे यू। सो अगेन अ टीम इज रिक्वायर्ड, इंटरनेट वाला, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? बिग टास्क, नॉट अ बिग टास्क। आजकल चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑल यू हैव टू डू इज कलेक्ट देम, पुट इट एट वन प्लेस। लेट्स स्टार्ट विद मार्केटिंग। हम एक YouTube का चैनल बना रहे हैं, हमें एडिटिंग आती है क्या कि हम एक टीम हायर कर सकते हैं? अगेन टीम हायर करेंगे तो पैसे लगेंगे, तो अभी फिलहाल क्या मैं उसको अपने आप चला सकता हूँ? विद टाइम व्हेन आई मेक इट सस्टेनेबल आई विल हायर टीम, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू वॉन्ट टू प्रोग्रेस, हाउ डू वॉन्ट टू, इंस्टाग्राम है, रील्स बनानी है, शेयर करना है ताकि लोगों तक पहुँचो, मार्केटिंग करो। जब आप लोगों पर पहुँच रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को शोकेस कर रहे हैं, तभी लोग आपको देखेंगे और आएंगे। ऑफकोर्स आप Airbnb पर लिस्टेड हैं, वो एक आपके लिए ऑलरेडी एक मार्केटिंग का टूल है, पीपल आर सीइंग यू, बट देन अगेन स्लोली स्लोली यू वांट टू क्रिएट अ सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ। लोग खाली Airbnb पे नहीं देख रहे हैं, Airbnb के बाद वो आपको स्टडी कर रहे हैं ऑल ओवर इंटरनेट, तो क्या आप वो ऑल ओवर इंटरनेट प्रेजेंट हैं? अगेन मार्केटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। Then managing Airbnb again is a challenge. The website itself, you have to list your property. Housekeeping, जैसे मैंने बताया आपको, आपका घर साफ सुथरा होना चाहिए, आपके जो Airbnb है clean, spick span, toilets. Now most important, you have to understand,
यू नो लोकेशन ऑफ योर स्टे इज योर वॉशरूम. दे हैव टू बी स्पिक एंड स्पैन एट ऑल टाइम. नेक्स्ट कम्स योर बेडरूम. दे शुड बी क्लीन. द यू नो द लिनन, द ब्लैंकेट्स, द यू नो पिलो, एवरीथिंग शुड बी क्लीन, नीट, टाइडी. इट डजंट हैव टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यू नो ऐसा नहीं है, बट क्लीन, साफ सुथरा, अच्छी क्वालिटी के गद्दे, अच्छे क्वालिटी के पिलोज. तो ये सब एक काम है, उनको बाय करना, उनको रिप्लेस करना. देन अगेन किचन सेटअप करके एक कुक आपको चाहिए जो कुक करेंगे, जो यू नो लोगों को सर्व करेंगे फूड. अगेन एक पीपल रिक्वायर्ड है. तो आप ऐसे जब बैठेंगे आप सेग्रीगेट करेंगे कि मुझे ये 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 डिपार्टमेंट में इतने लोग चाहिए. ये आपने डिसाइड कर लिया इतने लोग चाहिए. अब रैंडमली आप लोग नहीं हायर कर सकते, बिकॉज वो लोग आपकी प्रॉपर्टी की पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे, आपको डिफाइन करेंगे. लास्ट वीडियो हमने देखा था कि प्रॉपर्टी डिफाइंस यू. नाउ विद द प्रॉपर्टी कम्स दीज पीपल, द टीम. दे विल ऑल्सो यू नो दे विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी. सो दे हैव टू बी हायर्ड, दे हैव टू बी ट्रेन्ड इन योर विजन, वॉट यू आर कंसीविंग, यू नो. And they have to know that आपका ये मॉड इस तरह से यू नो बिजनेस करने का तरीका है और उसी तरीकों को वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं. हाउ टू वेलकम अ गेस्ट, हाउ टू ट्रीट देम, वॉट टू आस्क, वॉट नॉट टू आस्क, हाउ टू ड्रेस, हाउ टू प्रजेंट योर सेल्फ, यू नो. तो ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग पार्ट में उनको ट्रेन करना पड़ेगा और हायर करते समय जो फिल्टरिंग करनी पड़ेगी कि विच personality suits your you know your homestay. But again, if you hire people who are not resonating with your ideas, then this dream could rather be you know spoiled also, because finally you see, you will meet your guests, you will treat them, you will be in the homestay. There are two kinds again. Ek to aap apne ghar pe ho to aap dhyan de rahe ho pura, aur ek aapke you know homestays अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं. बीएनबी आप हर जगह पर्सनली 24 घंटे अवेलेबल नहीं हो. आपकी जगह ये लोग हैं, ये आपके विजन को आगे ले जा रहे हैं, सर्विसेज को आगे ले जा रहे हैं. आप प्रॉब्ली गेस्ट से मिलोगे, बैठोगे, फिर आप नेक्स्ट जगह चले जाओगे या अपने काम में जो लगे हो चले जाओगे. बट दीज पीपल स्टे देयर, दे आर द रियल होस्ट्स. सो दे हैव टू बी परफेक्ट, ओनली देन एंड ओनली देन योर ड्रीम्स विल बी रियलाइज्ड. सो आज हमने अपनी टीम के बारे में, हायरिंग के बारे में डिस्कस किया, थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कैसे लोग होने चाहिए, उनकी ट्रेनिंग में हमें क्या ध्यान देना है और उन्हें कैसे हमें यू नो अपने विजन के साथ रिलेट करना है. द आइडिया इज वंस यू योर फ्रीक्वेंसीज मैच यू नो देन रेजोनेशन स्टार्ट्स, एंड वंस रेजोनेशन स्टार्ट्स यू नो यू कैन डू वंडर्स. So thank you so much for watching, and I hope you liked today's session. Please like, share, comment. We are very, very happy to answer to your comments, understand what you want, and accordingly create our content. Thank you so much.